वही अगले बन नहीं हो तुम हो रे आप एमएन टीवी के फेसबुक पेज के जरिए देख रहे हैं कि किसान 26 जनवरी को ट्रैक्टर परेड निकाल रहे थे पर दिल्ली पुलिस के द्वारा बैरिकेडिंग करके उनको रोका गया और यहां पर रिंग रोड पर किसानों को रोका गया और किसानों के ऊपर लाठीचार्ज शुरू किया गया और आंसू गैस के गोले यहां पर शुरू हो गए हैं। किसानों पर दिल्ली पुलिस के द्वारा आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं। यहाँ पर माहौल एक बार फिर से तनावपूर्ण हो गया है क्योंकि दिल्ली पुलिस का कहना है कि जो हमने रोड मैप दिया है आप उसी पर जाइए, पर किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़ दिया। आप देख सकते हैं किस तरह बसों के शीशे हैं वो तोड़े गए हैं और किसानों के ऊपर आंसू गैस के गोले फेंके जा रहे हैं, उनको रोका जा रहा है और एक बार स्थिति फिर यहाँ पर तनावपूर्ण बनती नजर आ रही है। और दिल्ली पुलिस के द्वारा पहल की गई थी, सबसे पहले लाठीचार्ज शुरू हुआ था, उसके बाद किसान आगे बढ़े, उन्होंने बैरिकेडिंग को तोड़ा और जो उनके साधन है वो आप देख सकते हैं किस तरह दिल्ली पुलिस के जवान है वो भाग रहे हैं। दिल्ली पुलिस के जवान वो भाग रहे हैं, दिल्ली पुलिस के जवान वो भाग रहे हैं जिन्होंने आंसू गैस के गोले किसानों पर फेंके थे। आप देख सकते हैं किस तरह से ये हटाए जा रहे हैं जो दिल्ली पुलिस के द्वारा लगाए गए थे। यहाँ पर स्थिति तनावपूर्ण बन गई है, किसान शांतिपूर्ण तरीके से ये परेड निकाल रहे थे पर दिल्ली पुलिस ने रोका, दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग करके रोका तो किसानों ने वो बैरिकेडिंग हटा दी है और दिल्ली पुलिस ने आंसू गैस के गोले किसानों पर फेंकने शुरू कर दिए हैं और किसानों का गुस्सा दिल्ली पुलिस पर निकल रहा है और दिल्ली पुलिस भाग रही है, दिल्ली पुलिस भाग रही है। और आप देख सकते हैं किस तरह से किसान यहां पर माहौल तनावपूर्ण हो गया है, किसान शांतमय तरीके से यहां पर परेड निकाल रहे थे पर दिल्ली पुलिस के द्वारा रोका गया, उनको बैरिकेडिंग की गई और ये देखिए ये कंटेनर है जो दिल्ली पुलिस के द्वारा लगाए गए हैं किसानों को रोकने के लिए और किसान इनको हटाना शुरू कर दिया है, किसानों ने इनको हटाना शुरू कर दिया है और दिल्ली पुलिस के द्वारा आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं। आप देख सकते हैं किस तरह किसान खुद ही हटा रहे हैं। आप देख सकते हैं दिल्ली पुलिस के जवान भी है यहाँ पर और जो किसानों के द्वारा बैरिकेडिंग को हटाया जा रहा है, दिल्ली पुलिस बार बार एक के बाद लगातार आंसू गैस के गोले फेंक रही है किसानों के ऊपर। आप देख सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के द्वारा ये किसान जो कंटेनर है वो हटा रहे हैं, किसान कंटेनर हटा रहे हैं। यहाँ पर स्थिति एक बार फिर से तनावपूर्ण हो गई है, यहाँ पर रिंग रोड पर दिल्ली जो करनाल बाईपास है उस पर यहाँ पर किसानों और दिल्ली पुलिस के बीच झड़प शुरू हो गई है। आप देख सकते हैं किस तरह से बैरिकेडिंग की गई थी, ये कंटेनर है दिल्ली पुलिस के द्वारा लगाए गए हैं कि इससे आगे आप नहीं जा सकते, जो किसान है इससे आगे परेड नहीं कर सकते पर किसानों का कहना है कि हम आगे तक जाएंगे और यहाँ पर स्थिति है वो तनावपूर्ण बन गई है। आप देख सकते हैं किस तरह किसानों ने बैरिकेडिंग तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं किसान और किसानों के द्वारा ये बैरिकेडिंग हटाई जा रही है और दिल्ली पुलिस आंसू गैस के गोले दागकर भाग गई है, जो दिल्ली पुलिस है वो आंसू गैस के गोले दागकर भाग गई है और किसान ये
कंटेनर हटा रहे हैं, किसान कंटेनर हटा रहे हैं और लगातार जो माहौल है वो तनावपूर्ण होता जा रहा है और किसानों को रोका जा रहा है। जो किसानों के द्वारा ट्रैक्टर परेड निकाली जा रही थी वो बिल्कुल शांतमय तरीके से निकाली जा रही थी, तो इसी को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस ने करनाल बाईपास पर ये कंटेनर और बैरिकेडिंग की गई थी, पर किसानों के द्वारा हटाया जा रहा है, किसानों के द्वारा ये हटाया जा रहा है और यहाँ पर माहौल है वो तनावपूर्ण हो गया है। आप देख सकते हैं किस तरह से बैरिकेडिंग ट्रैक्टरों के पीछे बांध कर उनको हटाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ ही देर पहले दिल्ली पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज शुरू किया था, किसानों पर दिल्ली पुलिस ने लाठीचार्ज शुरू किया था और फिर उसके बाद किसानों ने जो आगे बढ़ने की कोशिश की। आप देख सकते हैं माहौल यहाँ पर बिल्कुल तनावपूर्ण बनता नजर आ रहा है। जो माहौल है दिल्ली पुलिस और किसानों के बीच एक बार फिर से टकराव की स्थिति पैदा हो गई है। दिल्ली पुलिस के पहल करने पर ये माहौल है वो तनावपूर्ण हुआ है। आप दिल्ली से लाइव तस्वीरें देख रहे हैं किसानों की। आज 72वें गणतंत्र दिवस पर परेड निकाली जा रही थी तो उसी को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस के द्वारा ये बैरिकेडिंग की गई और जिसके बाद किसानों ने वो बैरिकेडिंग को हटा दिया और दिल्ली पुलिस ने किसानों पर लाठीचार्ज किया, जिसके बाद किसानों में एक रोष पैदा हो गया और यहाँ पर माहौल तनावपूर्ण हो गया है और किसान बैरिकेडिंग को हटाकर दिल्ली के अंदर जा रहे हैं।